आज हम आपको माँ दुर्गा मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुर्गा माँ का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के जिला कोटद्वार में स्थित है। इस मंदिर को प्राचीन एवं सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। ये मंदिर कोटद्वार शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर समुन्दर की 700 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक भव्य मंदिर है। मंदिर के ठीक नीचे ही 12 फीट की एक गुफा स्थित है। लोगों का मानना है कि इस गुफा में शिवलिंग भी स्थापित है और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। लोगों का मानना है कि जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से आता है, माँ दुर्गा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। वह अपने विश्वास के तौर पर यहाँ पर लाल चुनरी भी बांधते हैं। मंदिर के पास ही एक और छोटी गुफा भी स्थापित है। लोगों को इस गुफा के दर्शन करने के लिए लेट कर जाना पड़ता है। लोगों का मानना है कि इस गुफा से जुड़ी और कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। माना जाता है कि यहाँ पर पहले पहाड़ पर कोई भी गाड़ी या मोटर नहीं हुआ करती थी, इसीलिए जिसकी भी शादी होती थी उनको पैदल ही चलकर यहाँ पर आना पड़ता था। कहा जाता है कि जिनके बेटा और बेटी की यहाँ पर शादी थी वो इस पहाड़ पर एक रात को रुके थे और कहा जाता है कि जो दुल्हन थी उसका नाम दुर्गा था। जब दोनों परिवारों ने सुबह डोली में दुल्हन को देखा तो वहाँ पर वो दुल्हन नहीं थी, उसका कुछ पता नहीं चला। इसीलिए मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस कहानी पर आधारित ही इस मंदिर का नाम माँ दुर्गा मंदिर पड़ा। इसके अलावा इस मंदिर को 100-200 साल पहले जोगी का झोंपड़ा भी कहा जाता था। इस मंदिर में एक धूना स्थित है। लोगों का मानना है कि पास के गांव में जिसका नाम एटा गांव था, वहां के लोग इस धूना से आग लेकर जाते थे क्योंकि उस समय माचिस की सुविधा नहीं थी। इसलिए पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि ये मंदिर 100-200 साल पहले से ही जाना जाता है। मानना है कि इस मंदिर में चट्टानों से उभरी हुई माँ दुर्गा की एक प्रतिमा भी स्थापित है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक ज्योति है जो सदैव ही जलती रहती है। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर माँ दुर्गा का सिंह यानी कि शेर इस गुफा पर कई बार आया करता था और माँ के दर्शन करके शांत स्वभाव से लौट जाया करता था। माँ दुर्गा के इस मंदिर के निर्माण से एक और रोमांचक कथा छुपी हुई है। मंदिर के पुजारी का इस कथा के बारे में कहना है कि यहाँ पर कोई भी सड़क नहीं हुआ करती थी। मंदिर के निर्माण के बारे में एक और रोमांचक कथा छुपी हुई है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि मंदिर के ठीक नीचे एक गुफा स्थापित है जहाँ पर शिवलिंग और माँ की पिंडी स्थापित है। अंग्रेजों के समय पर यहाँ पर सड़क नहीं बनती थी, इसलिए लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो ठेकेदार खान था उसको कई बार सपना आया करता था कि यहाँ पर अगर मेरा मंदिर बनवाओगे तो तब ही यहाँ पर सड़क का निर्माण हो सकेगा। यहाँ पर एक हिंदू मजदूर था, फिर उसको एक बार सपना आया कि यहाँ पर मेरा मंदिर बनवाओ तब जाकर यहाँ पर सड़क बनेगी। तो इस बारे में मजदूर ने जो ठेकेदार खान था उससे बात करी कि मेरे को ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं। तो इस बात पर खान ठेकेदार को मजदूर की बात माननी पड़ी। उसी समय से यहाँ पर जो इस गुफा में मंदिर बनवाया गया है उसी समय ये मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया गया था। माना जाता है कि इस मंदिर में आने से सभी भक्तों के रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर श्रावण मास और शिवरात्रि के दिन कई संख्या में शिव भक्त आते हैं। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में अपने परिवार और दोस्तों के साथ आ सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही दर्शनीय है। अगर आप कभी भी इस जगह पर आते हैं तो माँ दुर्गा के मंदिर के दर्शन ज़रूर करिए।
ये था माँ दुर्गा मंदिर का इतिहास। आप सभी को ऐसे प्राचीन मंदिरों की वीडियोस दिखाना हमारा काम है। दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारी नई नई वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय माता दी।